नमस्कार कि सबसे पहले विदिशा प्लाट क्या होता है। ऐसा प्लाट जो जिसकी भुजाएं किसी एक दिशा से झुकी हुई हों वो विदिशा प्लाट कहलाता है। इसके अलावा जो चौकोर नहीं होता, त्रिकोण का आकार होता है, पंचमुखी आकार होता है और भी कई प्रकार के आकार होते हैं, उनमें हमारे पास अक्सर यजमानों के फोन आते रहते हैं कि उन पे किस प्रकार से वास्तु युक्त नक्शा बनाया जाए। तो आइए सबसे पहले विदिशा प्लाट को समझते हैं। सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न आता है, विदिशा प्लाट है क्या? अक्सर हमारे जो पूछने वाले हैं वो प्लाट को पहले लिखते हैं इस प्रकार से, और जब दिशा देखते हैं तो माना कि पूर्व उनका दिशा यह होना चाहिए, उसकी जगह झुकी हुई दिशा है, वो झुकी हुई दिशा उनकी इस प्रकार से है, यहां उनका पूर्व है। यह समस्या है कि यहां पर हम वास्तुपद कैसे निकालें और यहां पर जो हमारे 16 जोन हैं उन 16 जोनों को हम कैसे डिसाइड करें, यह आमतौर पर समस्या रहती है। तो आइए सबसे पहले इसी को हम इस प्रकार समझते हैं कि हमारी दिशाएं तो वास्तव में फिक्स हैं। इसको अब हम विपरीत तरीके से देखते हैं तो इस आसानी से समझ में आएगा। हम सबसे पहले चार दिशाएं बना लेते हैं क्योंकि ये चारों दिशाएं हमारी निश्चित हैं। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। दिशाएं हमारी निश्चित हैं। अब हम प्लॉट को झुकाते हैं। देखिए अभी जो पहले हमने देखा था कि पूर्व झुका हुआ है, उसकी जगह प्लाट की स्थिति ये होगी, क्योंकि वास्तव में प्लाट झुके हुए होते हैं ना कि दिशाएं झुकी हुई होती हैं। ये प्लाट इस प्रकार का हो गया। यहां पर हम देख रहे हैं जो पहले हमने प्लॉट को लिखा था उस प्लॉट में हमने दिशा पूर्व को पूर्व ऊपर की तरफ कर दिया था, जबकि यहां हमने क्या किया, बात वही है कि दिशाएं हमारी फिक्स कर दी, प्लाट को झुका दिया। तो वास्तव में प्लाट झुकता है। सबसे पहले ये हमारे लिए मन मस्तिष्क में धारण करना चाहिए कि हमारा प्लॉट ही मूव करता है, दिशाएं हमारी फिक्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो 16 जोन हैं या 32 पद हैं उन पदों को हम निर्धारित कैसे करें। अभी तक सामान्य रूप से हम क्या देखते आए हैं कि जो प्लॉट होता है उस प्लॉट के नौनों भाग करते आते हैं। यह एक प्रारंभिक बात है। ये प्रारंभिक बात कब है, जब यदि हमारा प्लॉट झुका हुआ ना हो और चारों भुजाएं बराबर हों। यदि ऐसी स्थिति होती है तब ये नौ भाग किए जाना आवश्यक है, लेकिन प्रायः ऐसे प्लाट होते नहीं है। प्लाट कुछ ना कुछ झुका हुआ रहता है और प्लाट की लंबाई और चौड़ाई समान नहीं होती है। ये दोनों कंडीशन होती हैं 95% प्लाटों में, ये कंडीशन होती है, बल्कि और भी अधिक परसेंटेज मान लीजिए कि ऐसे प्लाट जो वर्गाकार हों, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो और बिल्कुल दिशा झुकी हुई ना हो, ऐसे प्लाट 100 में से एक ही या दो प्लाट पाए जा सकते हैं। तो चूंकि हम बात उन 98% प्लॉटों की करेंगे जो या तो झुके रहते हैं या जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती है, तो हम उन प्लॉटों को किस प्रकार से वास्तु नक्शा बनाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, ये नौ भाग नहीं करते हैं, ये नौ नौ भाग नहीं करते हैं, बल्कि दिशा जो हमारी है जैसे पूर्व दिशा है तो भले ही प्लाट झुका हुआ हो लेकिन पूर्व जहां पर है वो दिशा यही है। इसका जो यहां पर 32वां भाग होगा वो कितना होगा, 1.25 अंश, 11.25 अंश। इसी प्रकार से 11.25 अंश, 11.25 अंश ये परकाल की सहायता से कोण ड्रा करेंगे। ये कोण ड्रा करेंगे तो हमारे जो है 32 पद प्रकट हो जाएंगे। अब 32 पद जहां प्रकट होंगे वो पद वहीं पर है, जैसे पूर्व में हम यहां बोलते हैं कि पूर्व में एक पद है, दूसरा यहां पर पद है, इसको पद नंबर 2 बोल सकते हैं, उत्तर की तरफ तीसरा पद है, या ईशान की तरफ से लेते हैं तो पहला इसको गिनते हैं, दूसरा इसको गिनते हैं, पूर्व की तरफ तीसरा पद, ऐसे प्रकार के 2-3-4 पदों को हम इस प्रकार से नामकरण कर लेते हैं। तो ये पद हमारे प्लॉट पे नहीं है बल्कि दिशाओं पर है। महत्वपूर्ण बात यह ध्यान देना है कि प्लॉट कहीं भी हो, किसी भी दिशा में झुका हुआ हो, पूर्व दिशा जहां पर है वहीं पर सूर्य भगवान का स्थान है और वहीं पर वो पद है। उदाहरण दूसरा और लेते हैं कि यदि मान लो प्लॉट दूसरी तरफ झुका हुआ है,
दिशाएं चूंकि स्थिर हैं इसलिए दिशाओं को हमने पुनः लिख लिया यहां पर। अब कोई प्लॉट हमारा ऐसा है जो इस प्रकार से झुका हुआ है, और थोड़ा तिरछा भी है, जैसे यहां पर देख रहे हैं कि ये भुजा मान लो 20 फीट की है, ये भुजा यहां पर 51 फीट की है, और ये भुजा यहां पर मान लो 11 फीट की है, यानी 20 फीट के सामने 11 फीट है। ये विदिशा प्लाट भी हुआ, और इस प्लाट की विशेषता यह है कि चारों भुजाएं बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में हम वास्तु का निर्धारण कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में हम जो है हमारे जो 32 पद हैं, द्वार का पद है, या 16 जोन है जिनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी होती है, उनका निर्धारण कैसे करेंगे? इसका भी वही विधि है कि हमें प्लॉट पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें यह देखना है कि प्लॉट का जहां सेंटर है, जहां पूर्व दिशा है, वहां पर हमारा पहला पद है। यहां पर भी वही करेंगे, परकाल से हम सवा सवा 11 डिग्री के इस प्रकार से एंगल खींचेंगे, और प्रत्येक जो एंगल का जो पद होगा वो हमारे 32 पद होंगे जिनमें हमारे द्वार मुख्य द्वार के स्थान तय होते हैं। जैसे पूर्व दिशा में यहाँ जयंत का स्थान है, तो जयंत का द्वार बहुत अच्छा माना गया है, तो ये जयंत यहाँ पर है। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम केवल एंगल पे कंसंट्रेट करना है, प्लॉट पे कंसंट्रेट नहीं करना है। उस प्लॉट पे वो जयंत का पद जहां आ रहा है उस पर वहां दरवाजा लेना है। ये बात यहां पर स्थिति क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार से अगर मान लो विदिशा प्लाट इधर झुका हुआ हो, चाहे इधर झुका हुआ हो, चाहे कहीं भी झुका हुआ हो, हमें दिशा के अनुसार पदों का निर्धारण परकाल की सहायता से करना है। और जिनको नहीं करना आ पा रहा है वो किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। विशेषज्ञ अपने वास्तु पद को स्पष्ट रूप से कंप्यूटर द्वारा भी डाल देते हैं, जिसको वास्तु चक्र बोलते हैं। तो आप यदि उनको कोई झुका हुआ अपना प्लाट का केवल एक एंगल दे देंगे, पूर्व किस तरह झुका हुआ है, वो भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से या गूगल के माध्यम से आप प्लॉट को भेज देंगे, तो वास्तुशास्त्री आपके इस एंगल को पकड़ के पूरे का पूरा वास्तु चक्र खींच करके और निर्धारित कर देगा कि आपका कौन सा पद कहाँ पर आ रहा है। तो जो उचित पद है उसका स्थान एंगल से है। आशा यानी पूरा विश्वास है कि आप इस प्रकार के जो विदिशा प्लॉट हैं या वर्गाकार प्लॉट हैं या अन्य प्रकार के आकार के प्लॉट हैं जिनमें कि चारों भुजाएं बराबर नहीं है, उनमें वास्तु पदों का निर्धारण या वास्तु जोन्स का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लिया है। धन्यवाद। नमस्कार।